और अगर अखिलेश भैया जीत भी गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी सरकार ही नहीं है, वो क्या करेंगे क्या। जब तक ये बात कांग्रेस के समझ में नहीं आएगी तब तक उसका कुछ नहीं होने वाला है। आपका बेटा हो सकता है कि उतना काबिल ना हो जितना आपके पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता काबिल हो, उसको बनाइए। हमने फिल्मों में ही सीखा है कि हर काम आपको नहीं करना है, तो कुछ उम्मीद लगा के ही लोगों ने मुझे वोट दिए होंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं धर्म, आप देख रहे हैं हिंदी रश और आज आपसे मिलवाने जा रहे हैं आपको भोजपुरी के सुपर डुपर स्टार, जिन्हें जुबली स्टार से भी जाना जाता है, जो अब राजनेता भी बन गए हैं, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे? मैं जब भी आपको देखता हूँ या फिर आपकी वीडियो को देखता हूँ बहुत खुश हो जाता हूँ और अपने आप में एक हैंडसम भी हो जाता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत ही लंबी पारी आपने जो है खेली है इंडस्ट्री में, कलाकारी में, एक्टिंग में, अब राजनेता भी बन गए हैं। आजमगढ़ अक्सर आपका जाना होता है, आपको लेकर के खबर वगैरह चलती है, तो क्या फानने के फिराक में हैं आप? मुझे लगता है ना, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ आजमगढ़ के प्रति, जो मेरी जिम्मेदारी है। आजमगढ़ आगे मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा ये मैं नहीं कह सकता, पर अगर मैंने एक बार चुनाव लड़ा और लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया, 360,000 मुझे वोट मिले, तो कुछ उम्मीद लगा के ही लोगों ने मुझे वोट दिए होंगे और उन्होंने सोचा होगा कि हमारे लिए खड़ा रहेगा। और मैंने वादा किया भी था कि मैं 5 साल आप लोगों के साथ ही रहूँगा, कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो मैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और मैं हर 15 दिन पे 2 दिन के लिए जाता हूँ आजमगढ़ में, और मेरी टीम वहाँ लगी हुई है, 15-20 लोग मैंने लगा रखे हैं, और हर विधानसभा से जो भी समस्याएं होती है, जो भी चीज़ें होती है, उसको मैं DM से लेके, SP से लेके और किसी भी विभाग के मंत्री से लेके मुख्यमंत्री जी तक मैं उसको पहुँचाता हूँ और उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। कई बार आपने जवाब दिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको आपसे ये जवाब चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और आपको कई चीज़ें पता हो गई होगी कि क्या वजह रही, लोगों ने आपको बहुत विश्वास नहीं दिखाया, हार गए, क्या वजह रह गई? आपकी टीम में कुछ गड़बड़ी हुई है या कहीं ना कहीं कोई खामियां हुई है? नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और सिर्फ एक ही बात थी कि सामने गठबंधन था, और ये बात हम लोगों को भरोसा दिलाना चाह रहे थे कि ये गठबंधन टिकेगा नहीं, ये चुनाव के बाद गठबंधन टूट जाएगा, तो आप इस पे भरोसा मत कीजिए। और आप ये मान के चलिए कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, फिर से श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो जब पूरा देश उनके साथ है तो मैं चाहता हूँ कि आजमगढ़ भी उनके साथ रहे, तो ये भरोसा हम उनको दिलाने की कोशिश कर रहे थे चुनाव के पहले, और उसमें हमको जितनी कामयाबी मिली वो ये थी कि पिछली बार वहाँ से माननीय मुलायम सिंह यादव जी जितना वोट पाके जीते थे उससे 21,000 ज़्यादा हमको वोट मिला, तो अगर अकेले लड़ते वो, अगर गठबंधन नहीं होता तो जीत भारतीय जनता पार्टी की होती, हमारी होती, पर कहीं ना कहीं वो गठबंधन जो टूटने वाला था उस भ्रम को जनता समझ नहीं पाई और भ्रम में जो है वो लोग उनके साथ चले गए। भाई क्या बात है, धीरे धीरे जो है कांग्रेस पार्टी का तो सफाया हो गया है, अध्यक्ष पद के लिए भी कोई एक मूल्यवान व्यक्तित्व नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है कि जब तक ये लोग परिवारवाद से बाहर नहीं निकलेंगे, वंशवाद से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये समस्या दूर नहीं होगी। ये पार्टी जो है, कोई भी पार्टी हो, कोई राजनीतिक पार्टी हो, उसमें ऐसे लोगों का चयन होना चाहिए जो काबिल है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप आज अध्यक्ष हैं तो कल आपका बेटा ही अध्यक्ष बनेगा, तो इस तरह की पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। आपका बेटा हो सकता है कि उतना काबिल ना हो जितना आपके पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता काबिल हो, उसको बनाइए। जब तक ये बात कांग्रेस के समझ में नहीं आएगी तब तक उसका कुछ नहीं होने वाला है। कैसे, मतलब कैसे मेंटेन करते हैं आप अपने आप को? आप राजनीति भी करते हैं, आजमगढ़ में भी दिखते हैं, फिल्मों के सेट पर भी दिखते हैं, और जैसा कि आज मैं पहुंचा हूं फिल्मों के मुहूर्त में भी होते हैं, कैसे? ये हमने फिल्मों में ही सीखा है कि हर काम आपको नहीं करना है, हर काम के लिए अलग अलग टीम बनानी है, और जब टीम वर्क होता है तो आपका काम बड़ा आसानी से हो जाता है। एक फिल्म बनाने के लिए हमारे पास कोरियोग्राफर होते हैं, डांस मास्टर के साथ साथ हमारे फाइट मास्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनके असिस्टेंट होते हैं, बहुत सारा अलग अलग जो विभाग है, ड्रेस का डिपार्टमेंट कोई और देखता है, तो अलग अलग टीम बनानी पड़ती है,
और वो मैंने फिल्मों से सीखा है और वही मैं वहाँ भी अप्लाई करता हूँ कि मैंने हर विधानसभा में एक टीम बना दी है और वो टीम जो है वहाँ काम करती है गांव-गांव में जाके, किसको वृद्धा पेंशन नहीं बना, किसका जो है सड़क का प्रॉब्लम है, किसको क्या प्रॉब्लम है, वो सारी समस्याएं वो लेके आते हैं और वहाँ के जो डीएम है, एसडीएम है, जो एसपी हैं, उनके पास तक वो समस्या पहुँचती है। अगर वो लोग सॉल्व कर देते हैं तो ठीक है, अगर वो कहते हैं कि अब उनके बस का नहीं है तो फिर वो मेरे पास आती है, मैं लेके सीधे सीएम साहब के पास पहुँचता हूँ या डिप्टी सीएम के पास पहुँचता हूँ या परिवहन मंत्री के पास पहुँचता हूँ। जिस विभाग की समस्या होती है वहाँ लेके मैं चला जाता हूँ और वो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमारी सरकार है। मैं यही बात समझाना भी चाह रहा था कि मैं इसलिए आप लोगों के लिए काम कर पाऊंगा, जीतूं या हारूं पर काम इसलिए कर पाऊंगा कि सरकार हमारी है। और अगर अखिलेश भैया जीत भी गए तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी सरकार ही नहीं है, वो क्या करेंगे, क्या वो सिर्फ विरोध करेंगे और कुछ नहीं कर सकते।